नमस्कार दोस्तों, हर साल बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बाद एमपीएन एकेडमी ऐप से टैलेंट क्वेश्चन की वीडियो जारी होती है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, जो कि 30 सितंबर 2023 को हुआ था। उसमें एमपीएन एकेडमी ऐप से टैली प्रश्नों की फुल डिटेल, कहाँ से टैली हुआ है, करंट अफेयर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज दोनों मिलाकर ये वीडियो है। शुरू में चर्चा हम लोग डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज की करेंगे और अंत में करंट अफेयर्स की भी चर्चा की गई है हर एक प्रश्नों की। तो इस बार टैली क्वेश्चन की संख्या है 45। पीडीएफ हमने 1 अक्टूबर को ही जारी कर दिया था, जो कि टेलीग्राम पर अभी भी अवेलेबल है। वीडियो अब जारी कर रहे हैं, कारण यह है कि एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज पर काम चल रहा था। एक तरफ आपको मिलेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन और दूसरे तरफ मिलेंगे कहां से ये टैली हुआ है। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज 13 में 8वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के 1897 के अमरावती अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये जिक्र है 1931 कराची में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प जारी किया गया था। तो मौलिक अधिकार यहाँ भी है, मौलिक अधिकार, तो किस सेशन में, कराची सेशन 1931 सही जवाब है। अब एक प्रश्न देखिए यूपीएससी स्टाइल, सूची एक को सूची दो से मिलाएं। सूची एक में था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बी में तत्व बोधिनी, सी में आत्मिक सभा। सूची दो में था देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। एमपीएन एकेडमी ऐप पर डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज पहला ही नंबर 20वां प्रश्न था, राजा राम मोहन राय की समाधि है। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ चर्चा है आत्मीय सभा, तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज 18 जाइए। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है, इसमें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले और तत्व बोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर का जिक्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए का 2, बी का 1 और सी का 3। अगला प्रश्न देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। एमपीएन एकेडमी ऐप पर डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 106, 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल का नेतृत्व किसने किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पर जिक्र है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन यानी फास्ट किया था। तो भूख हड़ताल फास्ट सही जवाब होगा, अहमदाबाद हड़ताल। आगे है, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो एमपीएन एकेडमी ऐप पर डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 25 में चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 था, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे यहाँ पर चर्चा किया गया है लड़ाई के परिणाम स्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। तो बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 51, 1632 में किस कंपनी ने पटना बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया। आंसर था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किस वर्ष किया गया था, 1632 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन आया था, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 56, डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसके द्वारा की गई थी। आंसर है वाटसन एंड क्रिक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। पूछा गया था, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ऐप पर डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 1883 में जब एल्बर्ट बिल पेश किया गया था तब वायसराय कौन था। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जिक्र है एल्बर्ट बिल की और इसे लाया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान एल्बर्ट बिल नहीं था, तो नॉट एसोसिएटेड पूछा गया था, किससे संबंधित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एल्बर्ट बिल। अगला प्रश्न देखिए यूपीएससी स्टाइल, तो क्रम से संबंधित पूछा गया था कि सीरियलिस को सजाना था कि सबसे पहला घटना कौन सा हुआ, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन। तो कौन कौन सा ऑप्शन में था, होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेरा सत्याग्रह, मिंटो मार्ले रूफार। ऐप पर डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की, तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। उसके बाद डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज 18 में चले जाइए, 80वां प्रश्न था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से संबंधित, ये कब हुआ था, 1909 में। फिर डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज 21 चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 67 था, होम रूल लीग, तो ये कब हुआ था, 16 दिसंबर 1916। तो आप इसे सजाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सजाएंगे तो सबसे पहले सूरत विभाजन जो कि 1907 में हुआ था, उसके बाद चौथा नंबर पे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ये कब हुआ था, 1909 में। उसके बाद होम रूल आंदोलन, ये कब हुआ था, 1916 में। और जो बच गया खेरा सत्याग्रह। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, तीन ऑप्शन दिया गया था, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, और तीसरा समाज के सभी वर्गों से समर्थन की कमी थी। तो डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 27, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ऑप्शन में भी ये सभी ऑप्शन थे और आंसर क्या था, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति। तो डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 12 ऐप पर प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है, तो विवरण में जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो ये सभी आपको मिल जाएंगे, विदेशी मुद्रा भंडार में सभी सम्मिलित हैं, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत स्पीकर सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 21 चले जाइए, प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर डिटेल है आर्टिकल 120 की, आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 121। और आर्टिकल 120 से संबंधित और कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1854 के वुड के प्रेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, वुड्स डिस्पैच की बात हो रही है 1854 की, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, दूसरा इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, सही पहचानना है तो डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 10 चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें, तो सीरियली सजाना था, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, यहाँ पर जिक्र है उट्स डिस्पैच की, अंग्रेजी भाषा के उपयोग के बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया था और महिला शिक्षा पर जोर दिया गया था, तो ये दोनों बोथ 1 और 2 सही हो जाएगा। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 15 प्रश्न संख्या 100, क्वेश्चन क्या था, शपथ या प्रतिज्ञान यानी फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और एफर्मेशंस के प्रारूप का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जिक्र है 5th शेड्यूल का यानी 5वीं अनुसूची का, तो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, शेड्यूल ट्राइब्स। अगला प्रश्न UPSC स्टाइल, निम्नलिखित का मिलान करें, ए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, बी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, सी बहुजन समाजवादी पार्टी और डी AITC, और ऑप्शन में क्या क्या था, 1964, 1998, 1925 और 1984, कब कब गठन हुआ था ये मिलान करना था। तो डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 7 चले जाइए, प्रश्न संख्या 21, उन वर्षों की पहचान करें जो क्रम से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और RSS की स्थापना के सबसे करीब है, तो यहाँ पर जाएंगे तो इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र है, ये कब हुआ था, 1925 में, तो ये जो 1925 है ये किससे मिला है, B3 से, और ये यूनिक ऑप्शन था, इसी से आंसर पता चल गया, तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस संस्था के पास है,
ऐप पर डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 8 चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 105, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 22 प्रश्न संख्या 33 देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर है राष्ट्रपति के पास कई मंत्रियों और लोगों को अन्य आधिकारिक सरकारी पदों पर नियुक्त करने की शक्ति है। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को उनके कार्यालय में नियुक्त करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश भी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनटचेबिलिटी की बात हो रही है। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 2 क्वेश्चन संख्या 42 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है? आंसर था अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस उद्देश्य से लिया गया है? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 12 जाइए। क्वेश्चन नंबर 62, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ पर जिक्र है मौलिक अधिकार की चौथे नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरा, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तीसरा, इसमें नए निदेशक सिद्धांत यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और 47 जोड़े। चौथा, इसने चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की। गलत चिन्हित करना है। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 2 44 नंबर प्रश्न, वीडियो पॉज करके पूरा डिटेल देख लीजिए। उसके बाद डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज क्वेश्चन नंबर 8 वीडियो पॉज कीजिए और पूरा डिटेल स्टडी कीजिए। आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही जवाब है, यानी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39A, ये 42nd अमेंडमेंट में नहीं था, इनकरेक्ट को मार्क करना था। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, शैल तंत्र को उनके विवरण से सुमेलित कीजिए। रॉक सिस्टम को डिस्क्रिप्शन से मैच करना था। ऐप पर डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, धारवाड़ चट्टान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? पूरा डिटेल देखेंगे और सभी 25 टेस्ट को स्टडी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या सही जवाब होगा इसका? A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ करना है तो विंध्यन चट्टान प्रणाली के बारे में पता चलेगा, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और शेल चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। और तीसरा, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज 18 और क्वेश्चन का नंबर छूट गया, कोई बात नहीं। प्रश्न देखिए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसे स्थानीय प्रेस पर बेहतर नियंत्रण करने और देशद्रोही लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित करने और दबाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट का उपनाम दिया गया था। अन्य टेस्ट भी देखेंगे तो इसमें अधिनियम और निर्मन यानी इनेक्टमेंट एंड रिपील के बारे में भी बताया गया है, यानी लॉर्ड रिपन की जिक्र की गई है। तो आंसर क्या आ जाएगा? तीनों सही जवाब है, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। सही जवाब क्या हो जाएगा? राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? वाल्मीकि NP, दुधवा NP, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 12 क्वेश्चन संख्या 97, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो सही जवाब कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण। तो ये तो मिला ही कि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। इसके अलावा
डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर की चर्चा की गई है और बिहार में जितने भी हैं वो सभी की चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन में दो ही मैच किया, कौन कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, तो 1 और 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया था निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विक्टोरिया झील सतह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, उसके बाद इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है और विक्टोरिया झील का एकमात्र निकास नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील में मौजूद है। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 106 जाइए, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो नील उत्तर पूर्वी अफ्रीका में उत्तर की ओर बहने वाली एक मुख्य नदी है, डिस्क्रिप्शन में पता चलेगा। डायमंड स्टैटिक टेस्ट सीरीज नंबर 16 चले जाइए, चर्चिल और नेसेल्स नदियां कहाँ हैं, यहाँ भी विवरण है, नील विक्टोरिया झील अफ्रीका की सहायक नदियां। तो पूरे तथ्य पर विचार करेंगे तो सही जवाब इसका होगा आंसर 1 और 3, यानी लेक विक्टोरिया 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सरफेस एरिया में और तीसरा इट इज़ बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज। ब्रिटिश शासित भारत के तहत बिहार को पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बिहार भारत का एक अलग प्रांत कब बना? सही जवाब क्या आ जाएगा 1912, सही जवाब है इसका 1912। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ था? तो 2 डायमंड जीके टेस्ट सीरीज लीजिए, टेस्ट नंबर 5 और टेस्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 84, पॉज करके डिटेल्स देख लीजिए, सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राजवंश। यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन अगला, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें, ए चरक, बी ब्रह्मगुप्त, सी ब्रह्महीर और डी विशाखदत्त। सूची 2 में था गणित, चिकित्सा, नाटककार, ज्योतिष, मिलाना था कि कौन से किससे संबंधित हैं। 4 डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज को स्टडी करेंगे तो आंसर आपको पता चलेगा, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 8 और टेस्ट नंबर 11। वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा डिटेल स्टडी कीजिए, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी चरक संबंधित हैं मेडिसिन से, ब्रह्मगुप्त संबंधित हैं मैथमेटिक्स से, ब्रह्महीर संबंधित हैं एस्ट्रोलॉजी से और विशाखदत्त संबंधित हैं प्ले राइटर से। यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ए फायान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, वेनसंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान भारत आया था, सही मिलान करना है। 2 डायमंड जीके टेस्ट सीरीज 6 और 7 क्वेश्चन नंबर 87 और 5, पॉज कीजिए डिटेल देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा नन ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं, अष्ट प्रधान एक मंत्री परिषद थी, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अष्ट प्रधान किस शासन के प्रशासन में सहायता कर रहे थे? तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो अष्ट प्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो मराठा साम्राज्य का संचालन करती थी, तो क्या हो जाएगा आंसर, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यह वर्तमान बिहार के बांका जिले में स्थित था, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल 2 द्वारा की गई थी, तीसरा बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय नहीं फला फूला और चौथा यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, गलत को पहचानना था। स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 5 और 17 दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे, वीडियो को पॉज करके देखिए, सही जवाब हो जाएगा क्या क्या गलत होगा, बांका जिले में स्थित नहीं था, ये भागलपुर में था, देखिए यहाँ जिक्र है, और दूसरा इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल 2 द्वारा नहीं की गई थी, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत में बाबर के आगमन के कारण पहला उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, दूसरा क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय, तीसरा क्षेत्र में तिमुरिड राजवंश की स्थापना और चौथा युद्ध में तोपों का प्रचलन, सही पहचानना है। तो डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 2 और टेस्ट सीरीज नंबर 25, वीडियो को पॉज कीजिए पूरा डिटेल देखिए, सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 3 और 4, यानी तिमुरिद राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों का प्रचलन बढ़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP की अवधारणा उधार ली गई थी कहाँ से? डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज ये 62 नहीं बल्कि 12 है, इसका प्रश्न नंबर 62,
कानून के समक्ष समानता की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है ये जिक्र किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य बन गया, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 19 ऐप पर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जिक्र है 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में उभरा, तो साल क्या हो जाएगा 1975। अंतिम प्रश्न जो डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज से मैच किए हैं वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 97 कौन मेंबर नहीं थे, सभी विकल्पों का अध्ययन करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा जे एंड्यूस नहीं थे। आइए करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, मंथली करंट अफेयर्स जनवरी 2023 रैंकिंग में जाएंगे सूचकांक में, यहाँ पर जिक्र है विश्व आर्थिक मंच WEF ने अपनी भविष्य की रिपोर्ट में देशों को रैंक करने के लिए पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मानदंड में बदलाव करने पर सहमति दी है, तो किसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है, तो विश्व आर्थिक मंच। रूस के वैगनर मर्सिनरी समूह का प्रमुख कौन है, तो वीकली करंट MCQs 24 से लेकर 31 अगस्त 2023 प्रश्न संख्या 17, रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के प्रमुख का नाम क्या था जो कि विमान दुर्घटना में मारे गए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा येवगेनी प्रिगोजिन, यही इसका सही जवाब। गहरे समुद्र में उस पनडुब्बी का नाम है जो टाइटैनिक के मलबे की पानी के भीतर यात्रा के दौरान फट गई थी, वीकली करंट MCQs 23 से लेकर 30 जून 2023 प्रश्न संख्या 24 देखिए, प्रश्न क्या था, प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज किस वर्ष उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ जिक्र है क्यों न्यूज में था, पनडुब्बी का नाम क्या था, टाइटन समरसीबल, तो आंसर क्या आ जाएगा टाइटन इसका सही जवाब होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में पहली बार संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया, वैसे ये स्टैटिक का प्रश्न लग रहा है लेकिन ये करंट में था न्यूज में क्योंकि 50वीं वर्षगांठ थी, तो वीकली करंट MCQs 23 से लेकर 30 अप्रैल 2023 केशवानंद भारती केस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आंसर क्या होगा मूल संरचना का सिद्धांत, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI पूरा कर लिया है, वीकली करंट MCQs 8 से लेकर 15 नवंबर 2022 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया MTSI को पूरा किया है, इसके तहत भारत के कितने भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी की गई, डायरेक्ट क्वेश्चन 576 इसका आंसर होगा। भारत के रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता, क्वेश्चन क्या था, वीकली करंट MCQs 24 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 क्वेश्चन संख्या 2, ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जिक्र है कि रुद्राक्ष पाटिल ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में, तो क्या हो जाएगा गोल्ड यानी स्वर्ण पदक। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही है, वीकली करंट MCQs 8 से लेकर 15 सितंबर 2022 ध्यान में रखिएगा 1 सितंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक की PDF प्रोवाइड की गई थी, वीडियो भी जारी किया गया था, तो क्वेश्चन संख्या 1, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यह किस वर्ष ब्रिटेन की महारानी बनी थी, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिटेल है कि क्वेश्चन से आपको 96 ईयर की उम्र में निधन हो गया है ये पता चलेगा, और कितने लंबे समय तक शासन किया था इन्होंने 70 साल 7 महीने यानी 70 साल और 96 ईयर ये सही जवाब होगा। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, बिहार करंट अफेयर सितंबर 2022 चलते चलते सेक्शन में जिक्र है जमुई जिले में सोना, तो सही जवाब क्या आ जाएगा जमुई। प्रश्न संख्या 42 जो टैली हुआ है, सरल भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पारित किया गया था जिसके तहत सरकारी अधिकारियों को सरल और आसानी से समझने योग्य अंग्रेजी का उपयोग करना आवश्यक है, मंथली करंट अफेयर्स अक्टूबर 2022 इंटरनेशनल में चले जाएंगे, यहाँ पर जिक्र है न्यूजीलैंड की प्लान लैंग्वेज एक्ट के बारे में,
और किसके बारे में अंग्रेजी की जिक्र है, तो न्यूजीलैंड इसका सही जवाब होगा। इसमें अकथनीय और जटिल भाषा का प्रयोग रोका गया है, यानी सरल भाषा का प्रयोग किया जाना है। प्रश्न संख्या 43 जो टैली हुआ है, गुजरात में आयोजित डेफेक्सपो 2022 का विषय यानी थीम क्या था? तो मंथली करंट अफेयर्स अक्टूबर 2022, नेशनल में चले जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट है डेफेक्सपो 22 रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण जो था, जो कि गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में हुआ था 18 अक्टूबर को। तो इसका थीम क्या था? देखिए यहाँ पे थीम है पाथ टू प्राइड थीम पर आधारित। तो क्या आंसर हो जाएगा? पाथ टू प्राइड। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? बिहार करंट अफेयर्स जून 2023, क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के कुल कितने उत्पादों को GI टैग जारी किया गया? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जिक्र है दो दो बार, क्योंकि सुजनी का संबंध दो GI टैग से है, एक सुजनी कढ़ाई कार्य और दूसरा सुजनी कढ़ाई कार्य लोगो। तो सुजनी का किससे संबंध है? कढ़ाई। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी। अंतिम प्रश्न जो टैली हुआ है, 45वां प्रश्न, गंडक नदी का दूसरा नाम है, द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज। बिहार मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल 2023, क्वेश्चन नंबर 12, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के गोपालगंज जिले में किस नदी पर रिवर फ्रंट के विकास के साथ ही दो घाटों का निर्माण किया गया है? आंसर है इसका नारायणी नदी, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जिक्र है गंडक नदी को गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी रिवर। तो इस प्रकार से दोस्तों कुल 45 प्रश्न टैली हुए हैं एम्पियन अकेडमी ऐप से। आइए चर्चा करते हैं पिछले दो वर्षों के टैली क्वेश्चंस की। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज तो 2 साल से ही आ रहा है, इससे पहले करंट अफेयर्स आता था जिसमें लगभग 30 प्रश्न टैली होते थे। तो इस बार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, कोई बात नहीं, इस बार भी टैली हुआ है। ओवरऑल देखेंगे तो पिछले साल 47 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट, और इस बार भी दोस्तों 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 45 प्रश्न टैली हुए हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज से ज्यादा टैली हुए हैं। दोस्तों अभी आपको एम्पियन अकेडमी ऐप पर क्या क्या मिल रहा है? 17th बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, ये अवेलेबल है कोर्स। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज अभी अभी लॉन्च हुआ है, पहली टेस्ट जो आ रही है 13th अक्टूबर को अवेलेबल हो रही है। इसमें न्यू यूपीएससी बीपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको मिलेंगे, कूट वाले प्रश्न भरे पड़े हैं। तीसरा डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, ये भी अवेलेबल है, जिसका परफॉर्मेंस शानदार रहा है इस बार। करंट अफेयर्स 2023 पीडीएफ कोर्स, जिसे सिर्फ 2023 तक के ही करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं, बिहार SI, बिहार SSC और अदर एग्जाम्स के लिए, ये भी अवेलेबल है। इसमें आपको सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और दोस्तों जब अगली बार हम रिव्यू करेंगे NCERT टेस्ट सीरीज के साथ, तो टैलीड प्रश्नों की संख्या 90 के लगभग रहेगी, ये हमारा अनुमान है, 150 में से 90। फुल कोर्स अभी भी ये नहीं है, फुल कोर्स आएगा अगले साल। क्या क्या रहेगा इसमें? कोर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन जो कि 2024 में लॉन्च होगा, NCERT प्लस नोट्स, ये फुल कोर्स तैयार किया जा रहा है, कंप्लीट नोट्स, हिस्ट्री पर काम लगभग समाप्त हो गया, अदर विषय की तैयारी चल रही है, और चैप्टर वाइज स्टैटिक और बिहार जीके के MCQs भी मिलेंगे। और जब ये पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे एम्पियन अकेडमी ऐप से टैलीड क्वेश्चन की संख्या 120 से 130 के लगभग रहेगी, 150 में से। इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यदि आप हमारे एम्पियन अकेडमी ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।